हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल इजीएस्ट वे ऑफ स्टडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स और वैन डर वाल फोर्स पढ़ेंगे, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 18 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 से 17 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 से 17 देख लें। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स और वैन डर वाल फोर्स क्या होता है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होल्ड टू और मोर मोलिक्यूल्स टुगेदर। दो या दो से ज्यादा मोलिक्यूल जो होता है वो एक दूसरे से जो कनेक्ट अट्रैक्शन रहता है उन दोनों के बीच में, वो आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है। ये जो होता है ये ना तो आयोनिक बॉन्ड होता है, ना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वो स्पेशल केस है आयन डायपोल अट्रैक्शन का। तो ये आपका कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन रहता है जस्ट दो मोलिक्यूल के बीच में। और ये आपका इसलिए जो है वीक केमिकल फोर्स होता है, क्योंकि ना तो ये आयोनिक बॉन्ड से कनेक्टेड है ना कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसलिए आपको वीक रहता है। और ये जो है फॉलोइंग टाइप में क्लासिफाइड करते हैं इसको, एंड कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। तो इसमें जो है पहला होता है आयन डायपोल अट्रैक्शन होता है, दूसरा डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में या तो आयन डायपोल अट्रैक्शन होगा या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा। आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल, इसको हम लोग डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं या लंदन फोर्स भी कहते हैं। तो ये आपका पांच टाइप का अट्रैक्शन होता है। पहला आयन डायपोल अट्रैक्शन जो होता है वो आपका आयन और डायपोल पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, और दूसरा डायपोल डायपोल जो होता है दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा। आयन इंड्यूस्ड डायपोल ये आपका आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल ये आपका टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। तो इसलिए जो स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है सबसे स्ट्रांग होता है इन पांचों में से। आपका ए आयन डायपोल अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होता है, फिर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, फिर आयन मतलब ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई, आप लोग ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है आपका आयन डायपोल अट्रैक्शन जो है वैन डर वाल फोर्सेस नहीं होता है, ये सारा अट्रैक्शन जो है वैन डर वाल फोर्स ही होता है, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है कि ये आपका वैन डर वाल फोर्स नहीं होता आयन डायपोल अट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ए इज नॉट वैन डर वाल फोर्स। तो पहला आयन डायपोल अट्रैक्शन क्या हम लोग बताए थे, आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, एग्जिस्ट बिटवीन एन आयन एंड ए पोलर मॉलिक्यूल, इट्स अ स्ट्रेंथ। ये कितना मजबूत होगा ये आपका अट्रैक्शन वो डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन, आयन का जो साइज है वो कितना बड़ा है, चार्ज ऑन द आयन पे कितना चार्ज है, डायपोल मोमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, और जो आपका पोलर मॉलिक्यूल है उस पे उसका वो कितना पोलर है, उसको कितना डायपोल मोमेंट है, मतलब जितना ज्यादा पोलर होगा उतना डायपोल मोमेंट उसका ज्यादा होगा। इट इज डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होता है, दैट इज इंट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, मतलब आयन और पोलर मॉलिक्यूल दिखा दिए आयन डायपोल अट्रैक्शन कर लेगा, एकदम डायरेक्शनल होता है, दूसरा नहीं करेगा। आपका डायपोल डायपोल होते हुए पहले आयन डायपोल अट्रैक्शन करेगा, इसलिए डायरेक्शनल होता है। द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रेशन, ये फोर्स जो होता है हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आयन डायपोल अट्रैक्शन का फोर्स। जैसे एग्जांपल है एन ए ऑफ सोल्यूशन इन H2O, तो एन ए प्लस आपका आयन है माइनस आयन, तो एन ए प्लस और H2O में ये ऑक्सीजन पे डेल्टा निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो इसलिए ये जो है आयन डायपोल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होगा एक दूसरे से, ये हाइड्रेट हो गया एन ए प्लस। अब अगला है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, इंटरेक्शन गलती से लिख दिया, ठीक है मतलब इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज इंडो परमानेंट डायपोल एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड ड्यू टू दिस फोर्स गैस कैन बी लिक्विफाइड, ये जो है दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन है परमानेंट डायपोल, अगर दो पोलर मॉलिक्यूल है तो मतलब डायपोल होगा उस केस में, तो परमानेंट डायपोल के केस में जो है आपका डेल्टा प्लस चार्ज डेल्टा निगेटिव चार्ज, इसका डेल्टा प्लस चार्ज और इसका डेल्टा निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो ये आपका डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के कारण ये HCl HCl मॉलिक्यूल आपका अट्रैक्ट होता है। जहां हम लोग डायपोल मोमेंट पढ़ाए थे वहां हम ऐसे एक डायग्राम बताए थे AB ऐसे करके अट्रैक्ट था, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के कारण अट्रैक्ट था, वही तो था डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के कारण ही तो अट्रैक्ट था वहां पे भी। आयन इंड्यूस्ड डायपोल, तो आयन इंड्यूस्ड डायपोल आपका होता है एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में आयन इंड्यूस्ड डायपोल होता है अट्रैक्शन होता है। Fe2+O2, तो O2 में आपका देखिए दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के केस में ये आपका जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन है वो आपका इक्वली स्फीयर में मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन रोटेशन के कारण क्या होता है कि आपका ये डिस्टोर्शन हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इस कारण से इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड हो जाता है,
तो डायपोल इंड्यूस्ड होने के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन का जो है ये ऐसे निगेटिव चार्ज जब यहाँ रहेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा तो ये आपका अट्रैक्शन करके अट्रैक्शन करेगा इस केस में। तो अट्रैक्शन करने के कारण जो है आपका आयरन इंड्यूस्ड डायपोल से ये कनेक्ट अट्रैक्ट करता है। अब अगला है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये तो परमानेंट डायपोल इसमें रहेगा क्योंकि क्लोरीन जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन के केस में, तो इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और इसमें जो है जब डायपोल इंड्यूस्ड होगा इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण, जब इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये आपका इस तरह से होगा, तो ये मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज जब होगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। तो आयन इंड्यूस्ड एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है और ये आपका HCl और Cl2 अट्रैक्ट रहेगा इस कारण से। अब डिस्पर्सन फोर्स, तो ये होता है एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक H2O2 Cl2 etc, ये सब जो है H2H2, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो पोलर मॉलिक्यूल तो ये अपने डायपोल नहीं फॉर्म करेगा, तो डायपोल नहीं फॉर्म करेगा तो इसमें जो है इंस्टेंटेनियस जो है आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनेगा और डेल्टा नेगेटिव चार्ज बनेगा इंड्यूस्ड होगा। तो सिमिलरली अगला मॉलिक्यूल भी H2 में, तो इसमें अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जिस इंस्टेंट पे इंड्यूस्ड होगा वहां पे जाके आपका ये अट्रैक्शन होगा, तो इसीलिए तो इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस डायपोल मतलब इंस्टेंटेन बना डायपोल बनता है बस इंस्टेंटेनियस, तो उसी टाइम अट्रैक्शन जो होता है उसी को हम लोग उसी अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो ये इसी सिमिलरली जो है O2 के केस में होगा, Cl2 के केस में होगा, और ये जो लंदन फोर्स होता है या डिस्पर्सन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है GMM के। तो जितना हैवी मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स होगा। अब अगला है मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड के कुछ पॉइंट है वो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये मॉडल दिया गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये सब पॉइंट आप याद रख लीजिए, ज्यादा कभी क्वेश्चन वगैरह नहीं आता इससे। तो देखिए, तो इसमें जो है एक मॉडल प्रपोज किया गया मेटेलिक बॉन्ड के लिए, वो है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसका पॉइंट से इन दिस मॉडल वी अज्यूम ओवरलैपिंग ऑफ बैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ईच एटम विदाउट इट्स नेबरिंग एटम। तो इस मॉडल में क्या होता है कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि बैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है उसके नेबरिंग एटम से, दस बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम बिकम फ्री टू मूव टू अदर एटम्स ड्यू टू दिस ओवरलैप। और इसी ओवरलैप के कारण क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है मूव दूसरे एटम की तरफ दिस ओवरलैप के कारण, देयरफॉर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम मोबाइल और डीलोकेलाइज। इसी कारण से जो है मेटल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका मोबाइल होता है और डीलोकेलाइज होते रहता है, इसीलिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तीसरा पॉइंट है ग्रेटर द नंबर ऑफ सच बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड फॉर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इज द मेटेलिक बॉन्ड। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होगा दिस बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मतलब ओवरलैपिंग के लिए, उतना स्ट्रॉन्गर आपका मेटेलिक बॉन्ड होगा। जैसे अल्कली मेटल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन NS1, वाइल अल्कलीन अर्थ मेटल कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन। अल्कलीन मेटल जो है 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में मतलब बॉन्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और अल्कलीन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ग्रुप 2 का ज्यादा होता है, इंप्लाइज स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इन ग्रुप 1 से ग्रेटर देन ग्रुप 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन पी ब्लॉक NH2 NP1 इलेक्ट्रॉन यूजुअली पार्टिसिपेंट इन मेटेलिक बॉन्डिंग। पी ब्लॉक में जो है 2 एस का इलेक्ट्रॉन और 1 पी का इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट करता है मेटेलिक बॉन्डिंग में, हेंस मेल्टिंग पॉइंट आर यूजुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पी ब्लॉक का ज्यादा होगा क्योंकि मेटल जो है ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है पी ब्लॉक के केस में। इन डी ब्लॉक एलिमेंट N-1d इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेटेलिक बॉन्डिंग। डी ब्लॉक के केस में क्या होता है एस और पी तो कंट्रीब्यूट करता ही है और N-1d ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे ज्यादा होता है एंड ऑल्सो दे आर हार्डर इज कम्पेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। और इसलिए जो है ये डी ब्लॉक का मेटल जो है वो ज्यादा हार्डर होता है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट मेटल से। मेटेलिक बॉन्डिंग एंड नॉन डायरेक्शनल, मेटेलिक बॉन्डिंग जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हेंस मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेज। डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए जो है मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का भी सॉलिड फेज में। डी ब्लॉक मेटल विथ NH2N-1d5 एंड NH2N-1d10 कॉन्फिगरेशन है स्टेबल डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन विद इन द आइटम इटसेल्फ। ये जो डी ब्लॉक का मेटल है अगर उसका कॉन्फिगरेशन NH2N-1d5 या फिर NH2 हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फिगरेशन रहता है तो स्टेबल डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन रहता है विद इन द आइटम इटसेल्फ, मतलब वो
ज्यादा बहुत ज्यादा स्टेबल रहता अपने एटम में ही, हेंस दिस विल लेसर टेंडेंसी टू अंडरगो मेटेलिक बॉन्डिंग। ये अपने एक ही एटम के साथ ये ज्यादा स्टेबल है तो ये मेटेलिक बॉन्डिंग का टेंडेंसी कम शो करता है। हेंस ग्रुप 7 एंड ग्रुप 12 मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए जो है ग्रुप 7 और ग्रुप 12 मेटल का जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ तक कि Sg तो आपका लिक्विड होता है, जितना मेटल आप देखेंगे सब आपका सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी आपका लिक्विड होता है, क्योंकि मेटल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता है मरकरी का। अगला पॉइंट है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो इससे पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि सेमी कंडक्टर का जो है कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस नहीं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, इसीलिए तो ग्रेफाइट सेमी कंडक्टर होता है। और कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, और आपका रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।